न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेलने वाले मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया के लिए पहली और दूसरी दोनों पारियों में बहुत महत्वपूर्ण पारी खेली। उन्होंने पहली पारी में शतक और दूसरी पारी में अर्धशतक लगाया। श्रेयस अय्यर के ऊपर दबाव इसीलिए भी था क्योंकि सूर्य कुमार यादव को मौका न देकर श्रेयस अय्यर को दिया गया, जो कि विराट कोहली को रिप्लेस कर रहे थे। कहीं न कहीं श्रेयस अय्यर ने इतिहास रच दिया है। श्रेयस अय्यर ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। इस मामले में उन्होंने बड़े बड़े नामी दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को भी पछाड़ दिया है। आइए जानते हैं कैसे श्रेयस अय्यर ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचा है। तो वहीं पर चेतेश्वर पुजारा के नाम एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड बन गया है जिसका कोई भी पीछा नहीं करना चाहेगा। आइए जानते हैं इन दोनों खिलाड़ी के ऊपर क्या हो रहा है बवाल और क्यों हो रहा है बवाल, इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहे। अब ये जानने से पहले कि आखिर श्रेयस अय्यर ने वो कौन सा रिकॉर्ड बनाया है जो कि ऐसा कोई भी पहले बल्लेबाज नहीं कर पाया, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं आखिर चेतेश्वर पुजारा पर इतना ज्यादा हंगामा क्यों हो रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस सीरीज से कई खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। ऐसे में टीम इंडिया के एक बल्लेबाज पर रन बनाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बल्लेबाज ने अपने प्रदर्शन से सभी को निराश किया है। इस प्लेयर के नाम एक खराब रिकॉर्ड भी जुड़ गया है। आइए जानते हैं इस खिलाड़ी के बारे में। नाम चेतेश्वर पुजारा है। इसका बल्ला पिछले काफी दिनों से खामोश है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा ने 26 रन बनाए और टीम सऊदी की गेंद पर आउट होकर वापस लौट गई। तो वहीं पर दूसरी पारी में भी पुजारा ने नेगेटिव बल्लेबाजी की और वो सिर्फ 22 रन ही बना सकी। दूसरी पारी में उन्हें काइल जेमिसन ने आउट कर दिया। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन टीम इंडिया के बीच मझदार में ही छोड़कर चलते बने। भारत के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी हो गया है जैसे कोई भी इंडियन बल्लेबाज अपने नाम नहीं करना चाहेगा। पुजारा ने भारत के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए बिना शतक लगाए सबसे ज्यादा पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 2019 से खेली गई 39 टेस्ट पारियों में पुजारा के बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला है। पुजारा ने पूर्व कप्तान अजीत वाडेकर की भी बराबरी कर ली है। वाडेकर ने 1968 से 1974 तक एक शतक नहीं जड़ा था। तो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक रिकॉर्ड चेतेश्वर पुजारा के नाम हुआ है। तो वहीं दूसरी जगह श्रेयस अय्यर ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। चूंकि ये बात आप और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने पहली पारी में शतक और दूसरी पारी में अर्धशतक लगाया। इन दोनों पारियों में कुल मिलाकर उन्होंने 170 रन बनाए। पूर्व भारतीय बल्लेबाज लाला अमरनाथ का रिकॉर्ड तोड़ा। श्रेयस अय्यर भारत के लिए डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर आगे हैं, जहां पहले लाला अमरनाथ 156 रन के साथ मौजूद थे। भारत के लिए डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 187 रन के साथ शिखर धवन पहले नंबर पे, तो वहीं पर 177 के साथ रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। तो भारत के लिए डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने में तीसरे पायदान पर अब श्रेयस अय्यर ने अपना नाम कर लिया है, जो 170 रन बना चुके हैं। चौथे पायदान पर लाला अमरनाथ को खिसका दिया गया है। श्रेयस अय्यर भारत की तरफ से डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 50 प्लस का स्कोर बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। उनसे पहले साल 1933 में दिलबर हुसैन और फिर साल 1970 में सुनील गावस्कर ने यह कमाल किया था। तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर ने दो बड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं श्रेयस अय्यर की इनिंग के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।